एक बार फिर से मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार न्यू ऑल्टो K10 की प्री बुकिंग दोबारा से ग्राहकों के लिए स्टार्ट कर दी है। यानी अभी तक अगर आपने इस कार को बुक नहीं किया था तो आज दोबारा से 15 अगस्त के दौरान आपके पास मौका है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को जल्द से जल्द 11,000 रुपए की टोकन अमाउंट राशि देकर आज ही बुक कर सकते हैं। जी हाँ, ऑल्टो K10 की पहली प्री बुकिंग के दौरान इस कार की प्री बुकिंग को पूरा अपडेट के साथ फुल कर दिया गया था। यानी जोरों शोरों से ग्राहकों ने इस कार को बुक किया था, मगर फाइनली 15 अगस्त यानी आज के दिन ही दोबारा से इस कार की प्री बुकिंग आज से 6 बजे से स्टार्ट कर दी गई है। यानी आप ऑफिशियल वेबसाइट और डीलरशिप के द्वारा विजिट करके कल से इस कार को अपने लिए बुक कर सकते हैं। कंपनी ने इस कार को मार्केट में उतारने का जबरदस्त तरीके से नए अवतार के साथ फैसला किया है और ऑल्टो अब मार्केट में आएगी सबसे तगड़े अंदाज में। साथ ही साथ मिलेंगे ऑल्टो K10 में आपको जबरदस्त खास फीचर्स, तो चलिए जानते हैं। दरअसल भाइयों, मारुति सुजुकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 को 18 अगस्त को मार्केट में उतारने वाली है। मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर हैचबैक कार में कई सारे नए फीचर्स को ऐड किया है। इंटीरियर में भी बदलाव इस कार में आपको देखने को मिलने वाला है। बेहतरीन माइलेज देने वाली फैमिली की बजट सेगमेंट में आने वाली इस छोटी कार को अब जबरदस्त तरीके से नया अवतार दिया गया है। नई ऑल्टो K10 आई टीजर वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये कार कितनी बड़ी नजर आ रही है। जी हाँ, अब पुरानी ऑल्टो K10 के मुकाबले भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट अब पहले से ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये सुजुकी के हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हो चुकी है। कंपनी ने कार के इस डिजाइन पर अपने अपडेट काम का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। यानी ऑल्टो K10 को अब बिल्कुल नया लुक दिया गया है, जो कि वीडियो के दौरान आप इस कार को देख पा रहे हैं। लुक की बात कर ली जाए तो भाइयों, आप सभी को बता दूं कि ऑल्टो K10 के फ्रंट में आपको रेटिडाइन न्यू अपडेट क्रोम फिनिशिंग तथा मैट ब्लैक वाली ग्रिल ऑप्शन दिखाई देती है, जिसमें दो कलर कॉम्बिनेशन आपको चुनने का मौका मिलता है। साथ में सुजुकी के लोगो को दर्शाया गया है। दोनों साइड आप सभी को ऑटोमेटिक अपडेटेड इस कार में ओरियम्स और साथ ही साथ LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स का सेटअप दिखाई देता है। साथ ही साथ सेगमेंट में पहली बार फॉग लैम्प्स को भी इस कार में LED द्वारा संचालित किया गया है। दिखने में ये कार बाहर से काफी मस्कुलस लगती है। साथ ही साथ बता दूं कि बंपर को रीडिजाइन करते हुए एक स्पोर्टी डिजाइन दिया गया है, जो कि यूथ को ध्यान में रखते हुए अब इस कार को स्टाइलिश बनाया गया है। साइड प्रोफाइल से देखा जाए तो ऑल्टो K10 नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के टायर साइज को पुराने मॉडल से अब अपडेट करते हुए 18 इंच प्लस में आपको कम्फर्टली फिटेड डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन वाले अलॉय इस कार में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में अब आप सभी को नए डिजाइन वाले ग्राफिक्स भी ऐड इस कार में किए गए हैं। साथ ही साथ न्यू हैंडल्स बार और साथ ही साथ न्यू डिजाइन की आपको अपडेटेड एक्शन कैमरे इस कार में दिखाई देने वाले हैं। सबसे खास बात कि ऑल्टो K10 के लुक से लेकर डिजाइन में काफी बड़े बदलाव और साथ ही साथ साइज और ग्राउंड क्लियरेंस को पहले मॉडल से तुलना में ऊंचा रखा गया है, ताकि भारत की सड़कों को ध्यान में रखते हुए इस कार को ऑफ रोडिंग के दीवानों के लिए भी बनाया गया है। मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो K10 के अंदर आपको ऑल ब्लैक कैबिन। जी हाँ, ऑल्टो K10 के इंटीरियर की बात कर ली जाए तो भाई, इस कार को जितना बाहर से खूबसूरत बनाया गया है, उतना ही कार के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव और फीचर्स को ऐड किया गया है। नई ऑल्टो K10 में ऑल ब्लैक कैबिन अब आप सभी को पहली बार दिखाई देगा, जो कि इस कार की शान को एक प्रीमियम लुक अंदर से दे रहा है। मौजूदा ऑल्टो K10 के अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता था। नई ऑल्टो K10 फेसलिफ्ट के अंदर आप सभी को पहले के सेगमेंट के बराबर नहीं बल्कि उससे बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम, UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम से लैस किया गया है। दोनों साइड आप सभी को नए ऑटोमेटिक AC वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, साथ ही साथ कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग की सुविधा, USB पोर्ट कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब बात कर ली जाए कंफर्ट की, तो जी हाँ, ऑल्टो K10 के नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल को कंफर्ट के मामले में काफी अपडेट किया गया है। इस कार में अपोलो सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। सीटों की खासियत है भाइयों, 14 तरीके से कार की सीटों को एडजस्ट करके आप अपने बूट स्पेस को काफी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। और यानी ऑल्टो K10 में अब 6 लोग आसानी से बैठ के सफर कर सकते हैं। ऑल्टो K10 के साइज को भी अब बड़ा रखा गया है और लेग रूम को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले है कि इतना जबरदस्त स्पेस अब आप सभी की बजट सेगमेंट वाली ऑल्टो K10 के नए मॉडल में दिखाई देने वाला है।
इंजन तथा पावर की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के बारे में कहा जाता है कि आने वाली अपडेट्स के साथ बूट स्पेस, ग्राउंड क्लीयरेंस से लेकर जबरदस्त बदलावों के साथ आपको इस कार में एक बेहतरीन नए इंजन ऑप्शन को भी पहली बार संचालित किया जा रहा है। यानी ऑल्टो के 10 के नए अवतार वेरियंट के अंदर आपको 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन ऑप्शन 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी के साथ लेस करके ऐड किया गया है, जो कि भारत की सड़कों पे अब यही नए अवतार के साथ 78 PSP की मैक्सिमम पावर और 109 का आउटपुट NM टॉर्क जनरेट कर पाने में कार क्षमता रखती है। साथ ही साथ इस इंजन की खासियत यह है कि भाइयों, ये कार के अंदर आपको 5 स्पीड AMT के साथ मैनुअली ट्रांसमिशन ऑप्शन विकल्प आपको चुनने का मौका दिया गया है। माइलेज की बात करी जाए तो क्या ही कहने, भारत में मौजूद ऑल्टो ले लो या फिर सिलेरियो ले लो और नेक्स्ट जनरेशन बलिनो ले लो, इन सभी से ज्यादा आप सभी को मिलेगा ऑल्टो के 10 में जबरदस्त माइलेज। अब ये कार आपको 31 से लेकर 38 का माइलेज आसानी से प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में ही देने वाली है। यानी CNG विकल्प कारों को लेने की अब छुट्टी मार्केट में हो चुकी है। सेफ्टी फीचर्स की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के 10 को भारत में ग्लोबल NCP क्रिस्टिस मानकों के तहत 5 की रेटिंग दी गई है और साथ ही साथ इस कार को 90% तक स्टेनलेस स्टील हाई डेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। यानी और भी ज्यादा मजबूती के साथ भारत की सड़कों पे ऑल्टो के 10 का नए अवतार में प्रदर्शन देखने को अब मिलने वाला है। सेफ्टी फीचर्स के मामले में इस कार के अंदर आपको पूरे 6 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, ABD टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 बैक तथा फ्रंट कैमरे के साथ IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स की प्रीमियम लिस्ट इस कार में बजट सेगमेंट में ऐड कर दी गई है। यानी अगर आप अब माइक्रो SUV कार की तरफ भी कदम बढ़ाना चाहते हैं, 5 से 6 लाख रुपए के अंतर्गत आपको वही रेट पे मिलने वाली है, मगर ऑल्टो के 10 इन सभी फीचर्स के साथ लेस करके केवल आप सभी को 4 लाख रुपए से भी कम कीमत में आपके पास आने वाली है। कीमत की बात कर ली जाए तो भाई होश उड़ने वाले है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के 10 के नए वेरिएंट की कीमत स्टार्टिंग 3.90 लाख रुपए सेक्शन प्राइस हो सकती है। साथ ही साथ टॉप वेरिएंट की बात करें तो ये करीबन 4.50 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस जाने का अनुमान इस कार का लगाया जा रहा है। भारत में ऑल्टो के 10 के नए वेरिएंट को केवल 2 व्हीकल ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। डिपेंड आप पे कि आप कौन सी कार वेरिएंट्स को अपने लिए चुनना चाहते हैं। तो देरी किस बात की भाइयों, वीडियो हो चुकी है खत्म। अब आपको करना है इस कार को बुक। इस कार को जल्द से जल्द बुक करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। मिलेगा डायरेक्ट आपको लिंक जहां पर विजिट करके कार की जानकारी लेकर कार को बुक आसानी से किया जा सकता है। वीडियो बनाने में लगता है भाइयों यार टाइम, तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।